महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुलिस मुख्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने की और इस मौके पर हिमाचल के लोगों के लिए जीवनदायिनी बनी 108 एम्बुलेंस में 12 घंटे सेवाएं दे रही 16 महिलाओं के परिश्रम को सराहा और उन्हें प्रशंसनीय पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज की उन्नति में अतुल्य योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा में भी सोलन की महिलाएं दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और लोगों के अमूल्य जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इसीलिए उन्हें आज सम्मानित किया गया है ताकि वह भविष्य में भी इसी तरह से अपनी सेवाएं प्रदान करती रहें और उनका मनोबल कभी भी कम ना हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़ कर समाज में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। वो किसी भी वर्ग हो, मेडिकल हो, पुलिस हो, होमगार्ड्स हो, टीचिंग वर्ग हो या कहीं भी हो। तो आज जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप हमेशा रहती है 108 एम्बुलेंस सर्विसेज, इनकी महिलाओं को हमने सम्मानित किया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे मुझे आज पता चला कि इनका जो स्टाफ है उसमें तकरीबन 20-25% महिलाएं हैं और जो ऑन ऑफ फील्ड स्टाफ है उसमें 60% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। और आशा है कि इनकी और हमारी टीम ऐसे ही आगे लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करते रहें और अपने समाज में कंट्रीब्यूशन देते रहें। वहीं इस मौके पर सम्मान पाकर महिलाएं बहुत ही उत्साहित थी और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो समाज की सेवा के लिए दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन आज उन्हें पहली बार सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को पाकर उनमें नए रक्त का संचार हुआ है और वह बेहद खुश हैं और वह दोगुने उत्साह के साथ अब अपने कार्य को बखूबी करेंगी। सिविल हॉस्पिटल कंडाहाट में पिछले 3.5 सालों से काम कर रही हूँ। हमें आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर हमारे एसपी सर श्री मोहित चावला जी ने हमें सम्मानित किया। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। हमारे काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है उन्होंने। वैसे तो हमें टाइम टाइम पे ऐसे सम्मानित करते हैं, पर आज हमें बहुत ही अच्छा लगा। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं, हर क्षेत्र में वो अपना 100% योगदान देती हैं।